काश मैं अपने पिताजी की बात सुन लेती। उन्होंने मुझे कहा था कि इससे शादी मत करो, फिर भी उनसे लड़के इससे शादी कर ली। मम्मी क्या हुआ? लसन मामा ने भी मुझे एक बार बोला था कि इसकी भोली सूरत पे मत जाओ, फिर भी उनसे लड़के इससे शादी कर ली। हुआ क्या? पड़ोस वाली किम्मी आंटी ने तो इनको पहली नजर में पहचान लिया था, फिर भी उनसे लड़के इस आदमी से शादी कर ली। अरे तुम तो सबसे लड़ली पहलवान थी क्या? कोई मुझे बताएगा क्या हुआ है? मैं इस घर में नहीं रहना चाहती। रहो बेटा, मैं अपना सामान पैक कर रही हूँ, तू उठा लेगा ना? मम्मी मैं जिंदगी भर के लिए तुम्हारा कूली बनने को तैयार हूँ। सिलेंडर उठाने में तो हवा टाइट हो जाती है तेरी, अपनी माँ का इतना सामान कैसे उठाएगा? बचपन में सिलेंडर का दूध नहीं पिया है, मम्मी का पिया है। मम्मी मैं आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। रेलवे स्टेशन छोड़ दे मुझे, मैं ट्रेन के आगे कूद जाऊंगी। सामान क्यों ले जा रही हो फिर? सामान लेके मरूंगी, तुम्हें क्या? ध्यान से कूदना, पटरियों पर टट्टी होती है, पैर फिसल गया तो गिर के चोट लग जाएगी। फालतू का खर्चा अलग। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें अपना खर्चा करने की, मैं अपनी चूड़ियां बेच दूंगी। गोल्ड का आजकल मार्केट में क्या रेट चल रहा है? ओह नो, तू भी वैसा ही निकला, जैसा बाप वैसा बेटा। मैं चंपकलाल और मैं जेठा। पर हुआ क्या है? अपने बाप से पूछ। पापा यार मुझे क्या पता क्या हुआ है? लेकिन मुझे पता है। तो बताओ ना। अपने बाप से पूछ। एक तो तुम बाप बाप बोलना बंद करो, कैसी भाषा बोलती हो यार, गुंडों के खानदान से हो। तुमसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं वो, सारी डिग्रियां खरीदी हुई हैं, मुंह मत खुलवाओ मेरा। यार कोई मुझे बताएगा क्या हुआ है? मुझे इस आदमी से अलग होना है। यार कल रात को जरा सा क्या पात दिया तुम तो दिल पे ले गई। पापा आपकी पात जहरीली तो है। कहां मुंह काला करवा के आए थे कल? ओ अच्छा, वो यार वो तो बहुत जरूरी होता है, हम सारे दोस्त मिलके हर महीने करवाते हैं, तू भी करवा। उसको अपने जैसा मत बनाओ। आए आदमी अपने दोस्तों के साथ मिलके मुंह काला करवाता है, मैं मर क्यों नहीं गई? पापा अरे वो कौन सा मास्क होता है, वो ब्लैक की हटाने के लिए, ब्लैक हेड। हाँ, ब्लैक हेड हटाने के लिए वो मास्क लगाते हैं। अच्छा मम्मी ये तो मास्क लगाते हैं। तुम भी लगाया करो, चेहरे पे तेज रहेगा, दलदल में फंसी बिल्ली जैसी शक्ल लेके घूमती हो पूरा दिन। हाँ हाँ मेरी शक्ल तो बुरी लगेगी, मुंह काला करवाने से मेरा मतलब है ऑफिस में रंग रंगोलियां रचाते हो तुम। सिर्फ रंगोलियां रचाता हूँ मैं ऑफिस में, वो भी कभी कभी एचआर के साथ। हिमेश रेशमिया क्यों आएगा तुम्हारे ऑफिस में? मम्मी पापा ऐसे नहीं है। मैंने भी अपनी मौसी को यही कहा था कि ये ऐसे नहीं है, फिर भी उनसे लड़के इस आदमी से शादी कर ली। तुम्हारा पूरा खानदान मेरे खिलाफ था क्या? गर्मी में मफलर लगा के घूमने वाले पे कौन भरोसा करेगा? Oh yeah. फूल कुमारी कौन है? मेरे ऑफिस में काम करती है, बड़ी नेक औरत है बेचारी। जब से उसका ब्लाउज चल बसा, स्पाउस पति, तब से अकेली है। तो तुमने उसको अपना कंधा दे दिया? हाँ अब और कोई था नहीं तो मुझे ही कंधा देना था। मुझे तो कभी कंधा नहीं दिया। जिंदा लोगों को कंधा देते हैं क्या? क्या बोल रही है तेरी माँ? मम्मी पापा ने फूल कुमारी जी के पति को कंधा दिया था। तो तुम्हें क्या लगा? तुम्हें लग रहा है मेरा दूसरी औरतों के साथ चक्कर चल रहा है? देख उसने कल रात को इनको क्या मैसेज किया, दिखाओ। थैंक यू बबलू जी फॉर यस्टरडे, इट वॉज लिंगरिंग ऑन माय नेक, सबने देखा। पराई औरतों की गर्दन पे लिंगरी चिपका के सबको दिखाते हो? अरे ऐसा कुछ नहीं बोला उन्होंने, लिंगरिंग मतलब ज्यादा देर तक रहना। वो फूल कुमारी जी की गर्दन पे कुछ चल रहा था तो पापा ने वो हटा दिया है ना? हाँ उनकी गर्दन पे कीड़ा चल रहा था, सबने देखा। आगे पढ़। एनीवे वेटिंग फॉर ऑफिस पार्टी टुमारो, मूड इज सेट, पैंट्री सर्विस इज ग्रेट। औरतों की चड्डियां बेच के मूड सेट करोगे? अरे पैंट्री मतलब जहाँ पे खाना रखते हैं, आज ऑफिस की पार्टी है ना पापा की, तो उसकी बात हो रही है, खाने की बात हो रही है। यार तुम इंग्लिश सीखनी शुरू कर दो नहीं तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मुझे भी आती है, मैं भी व्हाट्सएप यूज करती हूँ। कुछ नहीं आता तुम्हें, पिछले हफ्ते कनोजी अंकल के पिताजी का स्वर्गवास हो गया तो क्या मैसेज किया इसने, दिखाओ। बुरा लगा सुन के। तो बुरा नहीं लगेगा सुन के, रोते हुए चेहरे भी तो बनाए हैं। मम्मी ये जो हंस हंस के आंसू निकलते हैं ना हमारे, ये वो वाले चेहरे हैं। कनोजिया को शक हो रहा है अब कि कहीं तुमने तो उसके पिताजी को धक्का नहीं दिया सीढ़ियों से। मम्मी तुम बेकार में शक कर रही हो पापा पे। 25 साल से हम साथ में हैं और तुम मुझे इतना ही समझ पाई। पापा फोन है आपका। किसका है? फूल कुमारी जी। कमीनी घर पे फोन करने लगी अब। कुछ जरूरी काम होगा यार, चुप रहो। हेलो, हाँ जी फूल कुमारी जी, हाँ जी हाँ जी। कितने प्यार से बात कर रहा है हैवान। तेरे हाथ में मेरा हाथ हो, सारी जन्नतें मेरे साथ हो। मेरे हाथ में माचिस और पेट्रोल दे दो, खुद को आग लगा लूंगी। यार ऑफिस में किसी कपल की एनिवर्सरी है आज, तो पार्टी में डीजे से कौन सा गाना बजवाना उसकी बात चल रही है, इसको चुप करा। हाँ जी चादरिया जीनी रे जीनी। कमीनी रे कमीनी।
जी जी नहीं नहीं टीवी चल रहा है टीवी चल रहा है। हाँ जी शाम को मिलते हैं। ओके ओके बाय ओके बाय। तुम्हें दौरे पड़ते हैं उसके साथ कहीं तुम भी कपल डांस मत करने लग जाना। मुझे नाचते हुए देखा है तुमने? ऐसा लगता है किसी ने जलते हुए अंगारों पर मुझे छोड़ दिया हो। शाहजहां ने तो मुमताज के लिए ताजमहल तक बनवा दिया था। उसके लिए मरना पड़ता है, ताली दोनों हाथ से बचती है। तो मार दो ना मुझे। मैं क्यों अपने हाथ गंदे करूं? बेटा तू मेरे लिए रस्सी ले आएगा, मैं पंखे से लटक कर जान दे दूंगी। पंखा नीचे आ जाएगा। चूहे मारने का जहर ले आ। उससे सिर्फ चूहे मरते हैं, डायन नहीं। मैं डायन हूँ। तो परियों वाले कौन से काम किए तुमने? तुम्हारे पूरे खानदान को संभाला, इस घर को संभाला, तुम्हें संभाला, इसको पाला। एक कुत्ता तक पालने नहीं दिया। घर में एक काफी नहीं है? मतलब मैं तो डायन ही लगूंगी ना उस फूल कुमारी के बाग में तुम्हारे फूल जो खिल रहे हैं। छोड़ो ना मम्मी, ये सब कंफ्यूजन था। पापा आज पार्टी में क्या पहनोगे? सोच रहा हूँ यही पहनूं। क्यों? थोड़ी डल है। यही पहनो अच्छी है अच्छी है। अरे नहीं नहीं कुछ पार्टी वाला पहनो ना। ये क्यों? अच्छा कलर है। आहा ये वाली उसको पसंद होगी। मैं बनियान में चला जाता हूँ। यार प्लीज आप कोई और ऑप्शन दिखाओ। ये कैसी रहेगी? क्या बात है, डालमेशियन कुत्ते लगोगे? नहीं नहीं यही पहनो, सही लगोगे। ऊपर के दोनों बटन बंद कर लेना। तो फिर शिमला वाली जैकेट निकाल दो। संभाल के रहना, जमाना खराब है। कोई ऐसा काम मत करना जिसकी वजह से मेरी नाक कट जाए। तुम्हें तो जैसे सरकार ने पद्म भूषण से नवाजा है। 25 साल हो गए हमारी शादी को, आज तक किसी पराई औरत को घूर के नहीं देखा। कभी शराब नहीं पी, हमेशा टाइम से पहले घर आया। पापा मैसेज आया। किसका मैसेज है? इंश्योरेंस वालों का। क्या बेटा पाया है, क्या पति पाया है, सब मोह माया है।